हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनी स्टडी वीडियोस। आज थोड़ा अलग वीडियो लेके आए हैं। आज पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ये थोड़ा हमारे आसपास जो कुछ घटनाएं होती है उससे संबंधित है। दोस्तों, आप अक्सर सुने होंगे कि शादियां विवाह में 7 फेरे होते हैं, पर वो 7 फेरों के 7 वचन दिलाए जाते हैं जो पति पत्नी एक दूसरे से लेते हैं। अगर आप उन्हें दंपत्ति से पूछेंगे कि वो 7 वचन कौन से थे जो उन्होंने एक दूसरे को दिए थे, तो शायद जहाँ तक मेरा अनुमान है वो खुद ही भूल जाएंगे, उन्हें नहीं याद है। तो कई बार ये ऐसा भी होता है कि शादियों में लोग पंडितों से काफ़ी जोर जबरदस्ती करते हैं जल्दी कराने के लिए कि रस्म जल्दी की जाए। इस वजह से वो 7 फेरों जो 7 वचन होते हैं वो संस्कृत श्लोक ही पढ़ देते हैं, अर्थ नहीं बताते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि पंडित वगैरह लोग भी जल्दी के चक्कर में या फिर वो बहुत संक्षिप्त में ख़त्म कर देते हैं सब कुछ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि शादी विवाह बहुत ही पवित्र रिश्ता है, या 2 लोगों को ही नहीं वहाँ 2 परिवारों को जोड़ता है, जो कि एक समाज का एक शुरुआत करता है। तो शादी विवाह ये विश्वास पर टिका होता है। हम जानते हैं शादी विवाह में जो लोग कसम खाते हैं या जो फेरा लेते हैं, जो वचन लिए जाते हैं 7 फेरों के 7 वचन, वो अग्नि और ध्रुव तारा को साक्षी मान कर लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुल 16 श्रृंगार होते हैं। 16 श्रृंगारों में से एक श्रृंगार ये 16 संस्कार होते हैं, सॉरी 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है विवाह संस्कार, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, 7 ही वचन क्यों होते हैं, कई बार ये भी सवाल लोगों के मन में आ सकता है। थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है, 7 बहुत शुभ है। हिंदू धर्म के वैदिक सनातन धर्म में 7 बहुत शुभ अंक है। वैसे 9 तो संपूर्ण माना गया है, पर 7 को शुभ का दर्जा मिला है। जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, बारिश के बूंदों में जो इंद्रधनुष बनता है उसमें 7 रंग होते हैं, समुद्र भी 7 माने गए हैं, 7 ऋषि माने गए हैं। तो इसीलिए 7 फेरों का महत्व है, इसीलिए 7 फेरे दिलाए जाते हैं। तो दोस्तों, शादी के बाद, विवाह के बाद पत्नी अर्थात जो उस पति की अर्धांगिनी होने वाली है, वह पति के बाएं तरफ यानी वाम अंग में आने बैठने के लिए, वाम अंग यानी बाएं तरफ बैठने के लिए कुल 7 वचन अपने पति से लेती है। तो हम 7 वचन लेंगे। वाम अंग इसलिए बैठाते हैं, वाम अंग पे बड़ी महिमा है। वाम अंग यानी बाएं तरफ बैठने पर पत्नी का स्थान पति से ऊपर हो जाता है। जैसे लक्ष्मी नारायण यानी नारायण से पहले लक्ष्मी का नाम लिया गया, उमा महेश, सीताराम, राधेश्याम, इस तरह से पत्नियों का दर्जा पति से ऊपर कर दिया जाता है। ये हिंदू धर्म की खासियत है कि यहाँ पत्नियों को काफ़ी ऊंचा दर्जा मिला है। तो दोस्तों, हम जानेंगे पहला वचन पत्नी क्या लेती है पति से। पत्नी कहती है पहले वचन में कि यदि आप कोई व्रत, उपवास, अन्य धार्मिक कार्य या तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं। और फिर कहती है कि अगर आप इसे स्वीकार करते हैं मुझे ले चलना, तो मैं आपके वाम अंग में यानी बाएं तरफ आना स्वीकार करती हूँ, यानी मैं आपके साथ जीवन साथी बनने को तैयार हूँ। ये इसका पहला वचन रहता है। दूसरा वचन रहता है, आप अपने माता पिता की तरह मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे और परिवार की मर्यादा का पालन करेंगे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके साथ जीवन साथी बनने के लिए तैयार हूँ। ये इसका दूसरा वचन हो गया। वहीं पत्नी तीसरा वचन लेती है, आप जीवन की 3 अवस्थाओं यानी कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ, यानी मैं आपके साथ जीवन साथी बनने को तैयार हूँ। चौथा वचन जो लेती है पत्नी, वह है, अब हम विवाह बंधन में बंध रहे हैं तो भविष्य में परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। यानी वह पति को संबोधित करती है कि आपके कंधों पर है, अगर आप वो अपनी जिम्मेदारियों को मेरे साथ साझा करना चाहेंगे, अगर आप साझा करते हैं तो मैं आपके साथ विवाह रचाने को तैयार हूँ। ये चौथा वचन हो जाता है। वहीं पांचवा वचन होता है जो पत्नी चाहती है पति से, कि अपने घर के कार्यों में, विवाह आदि लेन देन अन्य खर्चों में यदि आप मेरी राय लिया करेंगे, अगर आप मुझसे सलाह मशवरा करते हैं, इसका वादा करते हैं, तो मैं आपके जीवन साथी बनने को तैयार हूँ। वहीं पत्नी छठा वचन लेती है, यदि मैं कभी भी सहेलियों के साथ रहूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अद्भुत ये वचन है, यदि मैं कभी सहेलियों के साथ रहूँ तो आप सबके सामने मेरा कभी अपमान नहीं करेंगे, जुआ या किसी भी तरह की बुराइयां अपने आप से दूर रखेंगे, अगर आप इस बातों से तैयार हैं तो मैं आपके साथ शादी रचाने को तैयार हूँ। वहीं 7वां वचन होता है जो पत्नी चाहती है, कि आप पराई स्त्रियों को माँ समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच अन्य किसी को भी नहीं आने देंगे, यदि आप यह वचन दें तो मैं आपके साथ शादी विवाह करने को तैयार हूँ। देखिए कुल ये 7 वचन हो गए जो पत्नियाँ अक्सर पति से चाहती हैं। फिर पति इस पर अपना हाजिरी देते हैं, कबूल करते हैं यानी स्वीकार करते हैं, और फिर इस पत्नी
पति से वादा ले लेती है। फिर सात और वचन होते हैं जिन्हें पत्नी को देना पड़ता है पति को। तो हम जानेंगे वो कौन से वचन हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पत्नी जो देती है पति को वचन, वो यह देती है कि मैं आपके बालक से लेकर वृद्धावस्था तक के जितने भी सभी आपके रिश्तेदार हैं उन सभी का पालन करूंगी। मुझे निर्वाह में यानी जीवन जीने के लिए जो भी कुछ मिलेगा मैं उसे संतुष्ट रहूंगी। या पत्नी अपने पति को दूसरा वचन, पहला वचन देती है। दूसरे वचन में वो कहती है मैं प्रतिदिन आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और समय पर मीठा या व्यंजन बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। वही पत्नी तीसरा वचन पति को देती है कि तीर्थ व्रत यज्ञ दान आदि में आप मुझे साथ लेते हैं तो मैं आपके साथ जीवन भर रहूंगी। चौथा वचन पत्नी देती है पति को कि मैं स्वच्छता पूर्वक सभी श्रृंगारों को धारण करके मन वाणी और शरीर की क्रिया द्वारा आपके साथ क्रीड़ा करूंगी। ये चौथा वचन हो जाएगा। पांचवा वचन पत्नी देती है पति को कि दुख में धीरज रखने वाले और सुख में प्रसन्न होने वाले मैं आपके सुख दुख के साथी बनूंगी और मैं कदापि यानी मैं कभी भी पर पुरुष का संग नहीं करूंगी। या पांचवा वचन पत्नी देती है पति को। छठवां वचन देती है मैं आपके सभी काम सुखपूर्वक करूंगी, सास ससुर की सेवा और दूसरे संबंधियों का सत्कार करूंगी। आप जहाँ रहेंगे वहीं रहूंगी, अपने पति को कभी भी ठगूंगी नहीं ना उनके द्वारा ठगी जाऊंगी। ये छठवां वचन पत्नी देती है। और सातवां वचन अंतिम वचन देती है धर्म अर्थ काम संबंधी कार्यों में मैं आपकी इच्छा के अधीन रहूंगी। तो ये कुल सात वचन हो जाते हैं जो पति पत्नी एक दूसरे को देते हैं। इसी के द्वारा ये एक दूसरे से बंधन में बच जाते हैं, एक दूसरे के जीवन भर साथ रहते हैं और फिर पत्नी का स्थान पति से ऊंचा हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ सात वचन थे जो हर किसी को जानना ज़रूरी है। देखिए अगर आप सात वचन नहीं जानते हैं, सात फेरों के सात वचन नहीं जानते हैं, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आप थोड़ा सा कम अपने पति को या पत्नी को इज्जत देंगे। जहाँ तक अगर आप सातों वचन सात फेरों के जान जाते हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ये रहेगा कि मैं यज्ञ को, मैं उस हवन को, मैं उस अग्नि को साक्षी माना हूँ। तो कहीं ना कहीं फिर आप अपने पति या पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, आप उनके साथ विश्वास से प्रेम सहित अब उनके जीवन संग बिताएंगे। तो दोस्तों सात वचन जानना बहुत ज़रूरी था, हर किसी को जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि शादी के बाद ही जानना ज़रूरी है, अगर हम पहले जानते हैं जानेंगे तो भी बेशक बहुत सही रहेगा। हम अपने लड़कियों को, अपने परिवार में, हम अपने समाज में स्त्रियों को आदर देना सीख जाते हैं। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाएं, अपने पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, सभी औरतों को, सभी लड़कियों को सम्मान दें। धन्यवाद। और क्या कहूँ, बाकी हर कोई समझदार है। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।